हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? चलिए आज बनाने जा रही हूँ मैं सिंपल सी बिरयानी। मैंने इधर आलू ले लिए हैं और सोयाबीन ले लिया, टमाटर ले लिया, प्याज ले लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कॉर्नफ्लोर और ये डाल दिया है मैंने इसमें दही। और इसमें मैं सिंपल अपने जो मसाले होते हैं मेरे, हल्दी, नमक, मिर्च, गर्म मसाला, जो मेरे नॉर्मल मसाले, मैं सारे मसाले में मिला लूँगी। उसके बाद इसे अच्छे से हिला लूँगी। हाथ से मिलाने में अच्छे से मिल जाएगा, चम्मच से नहीं मिल पाएगा आप समझते हैं। तो इधर मैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारे पाउडर मसाले हाथ में मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसमें चाट मसाला भी मैं मिला दूँगी, जिससे कोई भी चीज़ सब्जी बनाया उसका मसाला ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है और चाट मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, हाथों की सहायता से मिलाऊंगी। हाथ मेरे साफ़ है, मैंने चलो इसे ही मिला लेती हूँ। मैं मिला लूँगी अच्छे से, क्योंकि इससे कोट हो जाएगी। और तो यकीन मानेंगे, इस स्टेप एक बार बना के जरूर देखिएगा। बहुत सिंपल वे में बनाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इस स्टेप से। तो इधर मैंने पूरे वे में अच्छे से मिला लिया है। जो घर के चावल हैं वही लिया है, कुछ और नहीं लिया है। और वो भी मैंने भिगो के रख दिया सिर्फ आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद भिगो के मैंने उसे पानी से धो लूँगी, उसे अच्छे से। देखिए मैंने धो लिया है यहाँ पर, सिर्फ मैंने भिगो के दिए। और धोने के बाद मैं इसे पहले बॉयल करूँगी, जैसे हम फ्राई वाइन उसमें बनाते चावल वो कर दिया था। मैंने प्याज ही कट करके रख लिया था, तो हल्का सा नमक डाल के मैं उसमें रख लूँगी बनने के लिए चावल। तो 90% बन जाएंगे चावल उसके जब तक बनाने हैं आपको। तो मेरे देखिए मैंने मिला दिए हैं और मैं इसे किसी ढक्कन से ढकते रखूँगी। तो मेरे जब तक ये चावल बनेंगे मैं बनते रख दूँगी चावल बनने। और देखिए इधर मिला के देखिए इतना पानी आ जाएगा कि मतलब 90% मेरे बन गए हैं। तो इतना पानी रह गया था, मैंने पानी निकाल लिया गिलास में। उसके बाद मैं इसे सादे पानी, जो हमारा पीने वाला पानी है, उससे मैं अच्छे से ठंडे पानी में से छान लूँगी। पानी में से मतलब निकाल दूँगी, छन्नी वगैरह से निकाल दूँगी, जिससे ये चावल चिपकेंगे नहीं। तो इधर मैंने रख लिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल लिया है तेल। तेल मेरा गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। और जीरा डालने के बाद मैं सबसे पहले से हींग और जीरा डाल दिया है मैंने। इसके बाद मैं डालूँगी प्याज, क्योंकि मुझे इसमें पहले प्याज डालना है। और प्याज मुझे रेड फ्राई करना है, क्योंकि मुझे अलग से भी डालना है इसमें। तो मैं एक साथ ही दोनों चीज़ों के लिए फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, रेड होने तक मुझे फ्राई करना। तो देखिए मेरा प्याज भुन चुका है अच्छे से। तो मैं ये देखिए भुन चुका है, तो मैं इसे निकाल लूँगी अलग, अदर अलग निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे वो कोटिंग के लिए चाहिए। तो देखिए मैं निकाल रही हूँ उसे अलग। तो इधर मैंने निकाल लिया है अलग, और ये इसमें ही छोड़ दूँगी जो मुझे चावल अभी डालना है। तो देखिए तेल तो मेरा अच्छे से गर्म हो ही गया, तो मैंने जीरा भी डाल दिया था, तो इसमें तेज पत्ता भी डाल दूँगी। तेज पत्ता डालना पड़ोगी थी, और जो हम पे खड़े मसाला है वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने सिर्फ वही डाला है, और मैंने जो जो कोटिंग किया हुआ था वो भी इसमें सारे आलू, सोयाबीन, हरी मिर्च, टमाटर, आप जो जो वेजिटेबल है आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने सिर्फ वही डाला है। तो इधर देखिए मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसे। मैं कम से कम सब्ज़ी को अच्छे से पका लूँगी, ढक के मैंने रख दिया है। और देखिए सब्ज़ी मेरी पक चुकी है, मतलब ये गल, क्योंकि ये आलू तो चावल तो फ्राई हो ही रखे, मतलब सॉरी बॉईल हो ही रखे हैं। तो मैं इसमें डाल दूँगी, देखिए पक चुके हैं, एक बार फिर चावल इसमें डाल दिए। तो मेरे चावल 90% पके होंगे, जैसे 10% पकाए तो आप समझ सकते ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मैं। तो देखिए मैंने ऊपर से डाल दिए, ऊपर से डाल दूँगी मैं पूरे में चावल डालने के बाद। और एक बार ज़रूर ट्राई करना, सिंपल से होते हैं, ये नहीं कि हम स्पेशल से ही बनाना है। तो इधर मैंने इसके ऊपर प्याज भी डाल दिया है, और देखिए मैं डाल दूँगी प्याज। इसके ऊपर मैं नींबू डाल दूँगी, आप अगर लेमन जैसे वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नींबू रखा होता मैंने वही डाल दिया है, और फिर प्याज ऊपर से और डाल दिया। उसके ऊपर चावल मैंने एक बार और डाल दिए थे। तो इधर मैंने वो पानी डाल दिया है इसमें, और देखिए मैं इसे ढक के रखूँगी बिल्कुल, कि हवा बिल्कुल ना निकले इसमें से। तो देखिए यकीन नहीं मानूंगी, चावल इतने ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। देखिए मेरे पक चुके हैं, और मैं चलो भी क्या था, मैं देख रही हूँ पक चुके हैं। तो चावल भी पहले थे, तो मैंने थोड़ा सा ढका, और तो मैंने तो गैस भी बंद कर दी है। तो मैं चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरे मिला के बड़े टेस्टी से बने थे, यकीन नहीं मानेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। सिंपल वे भी कभी आप खाना बनाओ तो अच्छा लगा मुझे सिंपल सा। तो आप बताइए आपको कैसे रेसिपी लगी। तो चलिए दही और उसे आप खाइए, मैं सिंपल कुछ नहीं बनाया है बच्चों।